झारखंड में किसानों के हितार्थ राज्य सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे राज्य का प्रत्येक किसान आत्मनिर्भर बने और उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो। ऐसी 9 राज्य योजनाएं एवं 3 केंद्रीय योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें कुल आवंटित राशि 1256.44 करोड़ में से लगभग 1092.81 करोड़ की निकासी कर किसानों के लाभार्थ खर्च किए गए हैं, जो आवंटन का 86.97% है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा हर जरूरतमंद अन्नदाता के हाथ में किसान क्रेडिट कार्ड हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। अब तक करीब 3,58,321 किसानों को केसीसी जारी किया गया है और 1,310.88 करोड़ रुपए लाभुकों को बैंक द्वारा जारी कर दिए गए हैं। किसान भाइयों को कर्ज मुक्त कर उन्हें उन्मुक्त जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड किसान कर्ज माफी योजना 2021-22 के तहत 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जिसमें 2,13,413 कृषकों के 1,410 करोड़ रुपए माफ किए जाने की पहल हो गई है। इस वर्ष कोविड-19 महामारी के व्यापक प्रसार के बावजूद नियत समय पर किसानों का हौसला बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार बीज वितरण कार्यक्रम 12 मई से ही शुरू किया गया। खरीफ 2021 में 11 करोड़ रुपए के लगभग 37,047 क्विंटल बीज का वितरण कृषकों के बीच किया गया, जो खरीफ के मौसम में अब तक का किया गया सबसे अधिक वितरण है। पहले जहां पूरे साल में मात्र 20,000 क्विंटल ही बांटा जाता था, साथ ही रबी 2021-22 में अब तक 32,743 क्विंटल बीज का वितरण किया गया है, वहीं 45,486 क्विंटल बीज आपूर्ति का आदेश निर्गत है, जिसमें कुल 18,418 क्विंटल बीज का उठाव हो चुका है। रबी मौसम में राज्य में प्रथम बार इतनी अधिक मात्रा में बीज का उठाव किया गया है। इतना ही नहीं, हेमंत सरकार द्वारा इसमें पारदर्शिता लाने हेतु खरीफ 2021 से पहली बार सी टोकन के माध्यम से बीज वितरण की शुरुआत की गई, जिसमें आधार से जुड़े सही लाभुक को ही इसका फायदा मिल रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजना अंतर्गत कृषि मेला, कार्यशाला, प्रदर्शनी, प्रशिक्षण, भ्रमण, प्रोत्साहन, पुरस्कार तथा प्रचार प्रसार की योजना का राज्यादेश एवं विभागीय आवंटन आदेश निर्गत कर दिया गया है, जिसमें 1,000,00,000 की राशि सभी जिलों को आवंटित कर दी गई है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आत्मा योजना के तहत कृषक पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी खास बात ये है कि इसमें घर घर जाकर क्षेत्रीय भाषाओं में ही किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसे वो आसानी से समझ सके। शीघ्र ही झारखंड सरकार कृषि विभाग समेकित बिरसा ग्राम सह कृषक पाठशाला की शुरुआत करने जा रही है, जो कि उद्यानिकी फसलों, मत्स्य पालन और पशुपालन की योजनाओं के तहत संयुक्त रूप से क्षमता विकास कर परंपरागत तकनीक के साथ नई उन्नत कृषि तकनीक को बढ़ावा देकर एक नई खेती संस्कृति को बढ़ावा देगा। SMAE योजना के माध्यम से ATM, BTM तथा कृषक मित्र के वेतन भुगतान एवं किसान उपयोगी गतिविधियों में जिलावार लिमिट निर्धारित करते हुए कुल राशि 1,287.87 लाख यानी 100% राशि व्यय कर ली गई है। अपने किसान भाइयों को सिंचाई सुविधा देने हेतु श्री हेमंत सरकार द्वारा टपक सिंचाई योजना के तहत 90% अनुदान पर पंप सेट दिया जा रहा है, जिसके लिए पहली बार अब तक करीब 20,000 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, जहां पहले 9,000 से 10,000 रजिस्ट्रेशन ही किए जाते थे, और ये संभव हुआ है JTDS तथा JSLPS का अभिसरण स्वयं सहायता समूह में किए जाने के बाद। आने वाले समय में उद्यान विभाग का अभिसरण भी स्वयं सहायता समूह में किए जाने का कार्य प्रस्तावित है, जिससे फूल और सब्जी की खेती करने वाले किसान भी टपक सिंचाई योजना का लाभ ले सके। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, माननीय मंत्री बादल पत्रलेख तथा कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा इन दूरदर्शी एवं पारदर्शी योजनाओं से किसानों को लाभान्वित कर उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का कार्य राज्य में युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ साथ उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी हो रहा है।